जय हिंद दोस्तों। इंडियन नेवी ने शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू अफसर बनाने के लिए नई वैकेंसी निकाली हुई है। शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसर जो होते हैं उनकी टोटल सर्विस जो होती है वो 4 साल की होती है, लेकिन उसको एक्सटेंड करके 10 साल तक कर सकते हैं सर्विस। तो शॉर्ट सर्विस कमीशन नाम ही है, मतलब शॉर्ट सर्विस होती है इनकी। तो नेवी में अफसर बनने का अच्छा मौका है। इस नोटिफिकेशन में पूरी डिटेल, कितनी वैकेंसी है, क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए इसके लिए, पूरी डिटेल इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। वीडियो में नए हो तो सब्सक्राइब कर लें चैनल, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो कोई भी आपके जॉब नोटिफिकेशन मिस नहीं होंगे। शुरुआत करते हैं। जो इंडियन नेवी ने यह नोटिफिकेशन दिया है शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसर बनने का, उसमें स्टार्टिंग डेट है 18 सितंबर 2021। 18 सितंबर 2021 से इसके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ये दिया हुआ है। और लास्ट डेट अप्लाई करने की है 5 अक्टूबर 2021। 5 अक्टूबर से पहले आप फॉर्म भर दें। इसके बाद बात करेंगे इसमें जो वैकेंसी है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल की, इसके बाद ऑब्जर्वर की, पायलट बनने की, लॉजिस्टिक्स की, एजुकेशन, टेक्निकल में इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल अफसर बनने का मौका, और नेवल आर्किटेक्ट का बनने का मौका है। शुरुआत करते हैं। जो वैकेंसी निकली है जीएस ब्रांच में, जनरल सर्विस में जीएस ब्रांच में है, उनकी 45 वैकेंसी हैं, और वो केवल मैन ही अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी एज 2 जुलाई 1997 से 1 जनवरी 2003 के बीच में है। इसके बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल की दी हुई है 4 वैकेंसी, ऑब्जर्वर की 8 वैकेंसी। इनकी डेट ऑफ बर्थ कितनी होनी चाहिए वो आगे दिया है। इसमें केवल जीएस ब्रांच में मैन अप्लाई कर सकते हैं, और बाकी में मैन वुमेन दोनों अप्लाई कर सकती हैं। ये पूरा क्लियर दिया हुआ है, मैन वुमेन दोनों अप्लाई कर सकती हैं, अफसर बन सकती हैं। पायलट के लिए 15 वैकेंसी, लॉजिस्टिक्स के लिए 18 वैकेंसी, मैन वुमेन दोनों अप्लाई कर सकती हैं, और डेट एज होनी चाहिए 2 जुलाई 1997 से 1 जनवरी 2003 के बीच में। अभी एजुकेशन ब्रांच की बात करें, उसमें वैकेंसी जो निकली है, एजुकेशन ब्रांच में अफसर बनने का मौका है, जिसमें 4 वैकेंसी हर डिपार्टमेंट में अलग अलग दी है, तो टोटल वुमेन और मैन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल ब्रांच में भी वैकेंसी निकली है, जिसमें इंजीनियर ब्रांच है, इलेक्ट्रिक ब्रांच है, और नेवल आर्किटेक्ट की भी वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें मैन वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे जो मर्चेंट नेवी के लोग हैं वो अप्लाई करेंगे, तो उनके लिए डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 2 जुलाई 1992 से 1 जनवरी 2003 के बीच में, और जो कमर्शियल पायलट लाइसेंस होल्डर हैं उनके लिए 2 जुलाई 1997 से 1 जुलाई 2003 के बीच में होनी चाहिए। और जो एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर है, जिनके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, उनको क्लियर दिया हुआ है 5% रिजर्व है, 5% उनके लिए रिजर्व कोटा है, ये ध्यान रखें, रिलैक्सेशन है 5%। सी सर्टिफिकेट में वो बी ग्रेड की होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखें। इसके बाद एनसीसी जो सी सर्टिफिकेट है, जो पुरानी नहीं होनी चाहिए, 1 जून 2019 से पुरानी नहीं होनी चाहिए, ये भी दिया है। हु कैन अप्लाई, कौन अप्लाई कर सकता है, जो ग्रेजुएट किए हुए हैं वो सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, मिनिमम 60% मार्क होना अनिवार्य है, ये ध्यान रखें। अगर आप ग्रेजुएट किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके पास बीएससी एमएससी इस टाइप के हैं तो और भी आपके लिए अच्छा है, तो जितनी ज़्यादा डिग्री है उतना ही आपके लिए फायदेमंद है। अभी बात करें मेडिकल स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए, रिलैक्सेशन इन हाइट और वेट में किसको क्या मिलता है, वो टैटू के बारे में, और पे और अलाउंस के बारे में, ग्रुप इंश्योरेंस एजीआई के बारे में, ग्रेजुटी लीव इनके बारे में, ड्यूटी जॉब अफसर जो लगेंगी वो उनके बारे में जानने के लिए आप इनकी वेबसाइट में जाके आप चेक कर सकते हैं क्या रिक्वायरमेंट है। तो वो रिक्वायरमेंट आप लगभग पे और अलाउंस के बारे में अगर सोच रहे हैं, तो पे किसी भी अफसर का जो आर्मी एयरफोर्स नेवी का है उनकी कम से कम 1 लाख से स्टार्टिंग होती है, तो ये ध्यान रखें, पे की कोई टेंशन नहीं, 1 लाख से स्टार्टिंग। अब इसमें टेन्योर कमीशन का कितना है, 4 साल आप इसमें सर्विस कर सकते हैं, 4 साल शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसर होते हैं, 4 साल होती है।
लेकिन 10 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं आप कुछ रीजन दे के कि हमें ऐसे ऐसे पैसों की जरूरत है या कुछ, आप एक्सटेंड कर सकते हैं 10 साल तक। 10 साल से ज़्यादा आप सर्विस इसमें नहीं कर सकते। सिलेक्शन प्रोसीजर पूरा इनकी वेबसाइट में मिल जाएगा आपको, उसमें देख लेना। जो बी टेक किए हुए हैं उनके लिए और भी बढ़िया है, आप सारी वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे आपको बी टेक की ज़रूरत है। इसके बाद इनकी ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग में आपको पूरी डिटेल इनके उसमें नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। इसके बाद कैसे अप्लाई करना है, तो इनकी वेबसाइट www.joinindiannavy.gov.in पर लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे हम मेरिट लिस्ट के आधार पे इनका सिलेक्शन होगा। अगर आप टेस्ट होगा, जो मेरिट लिस्ट में टॉप पे रहेंगे उनका सिलेक्शन किया जाएगा। ये था पूरा नोटिफिकेशन के बारे में। वीडियो कैसा लगा, पसंद आए तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही जॉब से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल में आपको मिलते रहेंगे। जय हिंद, थैंक यू।